मेरे भाइयों मेरी बहनें, एक और ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल है जो हमारी ज़िंदगी में हम सब रूल बना लें, और वो है सच बोलना, सच्चाई पे कायम रहना। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, सच्चाई को पकड़े रहो, सच्चे बन जाओ। फ़इन्ना सिद्क़ा यहदील बिर, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है। وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ, एक इंसान सच कहता है और सच कहने की कोशिश करता है। حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ الصِّدِّيقُ, यहाँ तक कि अल्लाह के पास लिखा जाता है सिद्दीक है ये। وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ, और झूठ से बचो। فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। वइन्नल फुजूरा यहदी इला नार, और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाते हैं। वमा यज़ालु रजुलु यकदीबु वयतहर्रल कदीबा, एक इंसान झूठ बोलता है और झूठ बोलने की कोशिश करता है। कभी कभार झूठ बोलने का मौका नहीं मिलता है, कोशिश करने का मौका मिलता है। इंसान सोचता है हाँ ऐसा होगा ना, मैं झूठ बोलूँगा। वह तहर्रल कदीबा, झूठ बोलने की कोशिश करता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहिल कद्दाब, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक लिखा जाता है कद्दाब है, ये झूठा है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत सारे लोग आज तो झूठ के रास्ते को लेते हैं और उसे जस्टिफाई भी करते हैं। एक बात याद रखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान जो गुनाह करता है उससे बड़ा गुनाह तब हो जाता है जब वो गुनाह को सही बोलता है, क्योंकि तब उसने दीन में तब्दीली लाई, दीन को चेंज किया। क्या कहते हैं, बोलते हैं आजकल तो झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, अगर आजकल झूठ बोलना पड़ता है तो इस्लाम की तालीमात किस ज़माने के लिए है? क्या सिर्फ 1400 साल पहले वाले ज़माने के लिए है, या आज भी एप्लीकेबल है और क़यामत तक एप्लीकेबल रहेगी? तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, सही बात तो यह है कि इस्लाम की हर तालीम हर ज़माने के लिए है, क़यामत तक के लिए, और इन तालीमात में हमारे लिए ही भला है, दुनिया का भी आखिरत का भी। दुनिया में भी भला मिलेगा, आखिरत का भी भला मिलेगा। आज हम देखते हैं कि मार्केटिंग से लेकर बिजनेस तक कई सारे फील्ड्स में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। टेली मार्केटिंग वाले जिनके कॉल्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं हम सबको, अब उनमें कई सारे हैं जो झूठ बोल बोल के वो मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। कई सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने प्रोडक्ट के ऐबों को छुपाते हैं, डिफेक्ट्स को छुपाते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी प्रॉमिसेस करते हैं, झूठी बातें कहते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर देते हैं और बेच देते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि इस चीज़ से क्या होता है, हमें हदीस से पता चला कि झूठ गुनाहों की तरफ ले जाते हैं और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाते हैं। मतलब कि झूठ बोलना खुद एक गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह को खोलने वाला रास्ता है ये, कि एक इंसान झूठ कह रहा है तो उसकी वजह से उसके लिए रास्ता खुल जाता है गुनाहों का, और वो गुनाह उसे जहन्नम की आग तक ले जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सच अगर कोई कहे तो सच कहना उसे नेकियों की तरफ ले जाएगा, और उसकी नेकियां फिर उसे जन्नत की तरफ ले आएगी। तो अगर कोई इंसान सिर्फ इतना ठान ले मैं सच ही बोलने वाला हूँ, तो उसकी ये आदत उसे नेकियों तक ले जाएगी और वो नेकियाँ उसे फिर जन्नत ले जाएगी। और कोई इंसान अगर कॉम्प्रोमाइज़ करे, नहीं झूठ तो बोलना पड़ता है, तो वो झूठ बोलने की आदत उसे गुनाहों तक ले जाएंगी और गुनाह उसे जहन्नम की आँख तक ले जाएंगे। इस हदीस से हमें एक और बात पता चली थी, वो ये कि हमारा स्टेटस अल्लाह के पास लिखा है सिद्दीक या कद्दाब। सिद्दीक सच बोलने वाला, कद्दाब झूठा, अल्लाह के पास लिखा है। जायज़ा लेते हैं, अपने आप से पूछो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। क्या लगता है क्या स्टेटस लिखा है अल्लाह के पास, सिद्दीक लिखा है कि कद्दाब लिखा है? जो भी लिखा है ना, अब उस मुताबिक आमाल काम आसान हो जाते हैं। सिद्दीक के लिए नेकियां आसान हो जाती है, कद्दाब के लिए गुनाह करना आसान हो जाता है। अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सच कहेंगे और सच कहने की कोशिश करेंगे तो सिद्दीक मिलेगा, और झूठ कहेंगे और झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो कद्दाब मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान से प्लानिंग कर सकता है कि ऐसा होगा तो मैं सच बोल दूंगा, मैं मुझे तो झूठ बोलना ही नहीं है, नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, मैं बोलने वाला ही नहीं हूँ।
और कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान पहले से प्लान बनाता है कि ऐसा होगा ना तो मैं ये झूठ बोल दूंगा, लेकिन क्या हो रहा है उसकी उस आदत की वजह से उसका स्टेटस वहाँ पर अपडेट हो रहा है कि ये कद्दाब है, झूठा इंसान ही है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सबको चेंज करना चाहिए अपनी थिंकिंग। आज हमारे ईमान की कमज़ोरी और कुछ नहीं है। आप देखिए वेस्ट में वो लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, कितने अफसोस की चीज़ है। अपने स्टैंडर्ड्स बनाए, ट्रेड की पॉलिसीज बनाई, इस बुनियाद पर सच बोलो, सच बात बोलो, डिक्लेयर करो अपने आप को, सारी चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाओ। वो लोग कहने लगे, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी कामयाबी दी। अब अगर हम लोगों में एहसास आ जाए कि नहीं, सच बोलना है मुझे, इसमें दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है, अगर हमारे अंदर ये चीज़ के ताल्लुक से तक्वा आ जाए, एक अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा आ जाए, जो मेरे रब ने कहा सही कहा मुझे, अल्लाह ताला इंसानों को सही रास्ता ही बताता है, तो एक इंसान के अंदर ये चीज़ आ जाए, अब उसके लिए ही भला है। आप खुद देखिए कि कोई इंसान चीट होगा तो कितनी बार चीट होगा भाई, एक बार धोखा देंगे धोखा खाएगा, हो सकता है दो बार धोखा खाएगा, बार बार धोखा खाएगा नहीं। अगर कोई शख्स चीटिंग करके काम करता है उसका गुडविल ख़त्म हो जाता है, ये दुनिया के लोग हमें बताते हैं, और जो ईमानदारी से बिज़नेस करता है, हो सकता है शॉर्ट रन में फौरी तौर पर उसने कम बिज़नेस किया, लेकिन लॉन्ग रन में लोगों को उस पर भरोसा आता है कि ये तो ईमानदार आदमी, इसके पास से लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये बात तो कितनी सिंपल सी बात है, तो ज़ुबान का इस्तेमाल है कि सच कहें। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कभी फंस जाते हैं ना तो झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, आजमाइशें आती हैं सब पर, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं वो हमें देखना है। अगर अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ही रास्ता निकालेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इजाज़त है, मन समता न जा, जो खामोश रहा वो बच गया, झूठ बोलने से भी बच गया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये एक ज़ुबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से एक बात है, और हम सरेंडर करने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, हमारी मर्ज़ी को, हमारी इच्छा, हमारी विल को हम अपने रब की मर्ज़ी के आगे सरेंडर करने वाले मुस्लिम हैं या नहीं है। मुस्लिम वर्ड सिल्म से आता है, मतलब सरेंडर करने वाले लोग, तो सरेंडर करने वाले लोगों की तरह ही हमें बिहेव करना है। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, सबमिशन करने वाले लोग जो अपनी मर्ज़ी को दे चुके हैं अपनी रब की मर्ज़ी के आगे, सरेंडर कर चुके हैं, हम वो लोग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ज़ुबान के गलत इस्तेमालों में से भी देखते जाते हैं साथ साथ में, गलत इस्तेमालों में से एक बदतरीन किस्म का गलत इस्तेमाल, और वो तब होता है जब दीन के मुतालिक कोई गलत बात अपनी ज़ुबान से कहता है। अब दीन के मुतालिक क्या क्या गलत बातें कह सकता है? अगर कोई शख्स दीन की कोई बात का मजाक उड़ा रहा है तो ये तो कुफ्र है, वाज़े कुरान की आयत है इस मुतालिक। या कोई शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई झूठ बोला, सही बुखारी की हदीस है जिल 4 हदीस नंबर 667 किताबुल हदीस अलंबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कذب علی متعمدا فليتبوا مقعده من النار, जो मेरे नाम में जानबूझकर झूठ मंसूब करेगा वो अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। मकाद जगह, कहाँ पर? जहन्नम की आग में। क्या किया इसने? इसने झूठ कहा, किसके नाम में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। कौन लोग करते हैं ये गुनाह? चोर लोग करते हैं, डाकू लोग करते हैं ये गुनाह? नहीं, कई बार ऐसे खैर खा करते हैं, कई बार गलत किस्म के लोग भी करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई बात बयान कर रहे हैं और उनको ये चीज़ पता नहीं है कि वो झूठ बात है, या हो सकता है कोई जानबूझकर झूठ बयान कर रहा है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरी कदीबन, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है, अन युहद्दिथा बिकुल्ली मा समिया, जो भी सुनता है बयान कर दे, जो भी सुने बयान कर दे, काफ़ी है, सफिशेंट है। यही बात से साबित होता है कि ये झूठा इंसान है। तो हम ये बात का ख्याल रखें कि दीन की बात जो बोल रहे हैं ना, प्रूफ के साथ बोलेंगे, कुरान की बात है तो कुरान की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो चेक करेंगे कि सचमुच है या नहीं है, क्योंकि कई बार कई बातें बयान की जाती जो सचमुच नहीं होती। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सही बात बयान करेंगे। और मेरे भाई मेरी बहनें, एक और चीज़ जो दीन की बात हो रही है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, सही सनद से आती है, मन उफ्तिया बिगैरी इल्मिन कान इस्मुहु अला मन अफ्ताहु,
जो बगैर इल्म के फतवा दे उसका गुना फतवा देने वाले पर है। बगैर इल्म के किसी ने बोल दिया हाँ हाँ जायज है, ये कर सकते हैं क्या, हाँ जायज है, नहीं ये नाजायज है, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई शख्स है जो थोड़ा बहुत दाढ़ी रख लिया माशाल्लाह, थोड़ा दीनदार मिजाज है, तो लोग देखते हैं बोलते हैं अच्छा तुम तो देखो माशाल्लाह इतने दीनदार हो, ज़रा ये तो बताओ कि ये हलाल है हराम है। अब कोई शख्स अपनी तरफ से बोल दे हाँ नहीं ठीक है ये तो हलाल है, क्योंकि बोलने बुरा लग रहा हो सकता है उसे कि बोलूँगा कि मुझे नहीं मालूम है तो लोग क्या सोचेंगे, तो नहीं यहाँ पर क्या हो गया, अब उस शख्स की सज़ा ये है काना इस्मुहु अला मन अफ्ताहु, उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। ज़रा मेरे भाई भी बहन सोचो कल क़यामत के दिन अपने गुनाहों को उठाएंगे कि दूसरों के गुनाहों को उठाएंगे, कि ये गुनाह मैंने नहीं किया ये तो उसका गुनाह है, लेकिन मेरे खाते में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत शौक था कहने कि हाँ हाँ हलाल है करो, अब वो उसने किया हराम काम किया, आपने बोले थे हलाल है, अब आप बोझ उठाओगे उसका, वो नहीं उठाएगा। तब तक वो कब तक नहीं उठाएगा, जब तक उसके सामने ये बात वाजे नहीं है कि ये गलत आदमी से पूछ लिया मैंने, लेकिन पता चल गया और फतवा शॉपिंग कर रहा है कि हाँ यहाँ से फतवा मिल गया ना, अब वो उठाएंगे मेरा बोझ, तो तब नहीं बचने वाला है। ये बहुत अहम बात है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ज़ुबान के गलत और बदतरीन इस्तेमाल में से ये है, और आज हमारे दीन को यही चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो लोग अपनी तरफ से बातें बयान करते हैं, इससे क्या हो रहा है कि करेक्ट पिक्चर लोगों तक नहीं पहुंचता है, दीन की सही तालीमात से लोग दूर हो जाते हैं, उन्हें जो मालूम है वो करने लगते हैं और सही चीज़ उन्हें नहीं मालूम होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज बन गया है, और ज़रूरत ही है कि हम इस ताल्लुक से एहतियात से काम लें, प्रूफ से काम लें, दलील दलील दलील, हर स्टेप पे दलील चाहिए। दीन की बात करेंगे तो दलील के साथ करेंगे, उलमा की तरफ रिफ़र करेंगे, उलमा के अंदर जो इल्म वाले किबार उलमा हैं उनके जो फतवे मौजूद हैं उसके तहत हम फतवे बताएं, अपनी तरफ से ना दें। अपने आप को क्यों ख़तरे में डालते हैं भाई। अब हम हुकूक उल इबाद के मुताबिक देखते हैं, ज़ुबान जो होती है कल क़यामत के दिन हमें बड़े ख़तरे में डाल सकती है हुकूक उल इबाद के मुताबिक। क्या है ये, बहुत आम है मेरे भाई मेरी बहनें कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की गीबत करे। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने सख्त अल्फाज कहे हैं वो तो बहुत मशहूर है आज अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में क्या आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अय्याकुल लहमा अखीहि मैतन, कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, पसंद करोगे। भाई मर गया, खबर मिली कि वो फलां साहब का भाई मर गया, अब वो मरने के बाद अपने भाई का ही गोश्त खा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, पसंद करोगे, अच्छा लगेगा। फकरीह तुमू, नहीं तुम कराहत करोगे, यू हेट इट डिसलाइक इट, नापसंद करेंगे हम लोग सब, घिन आएगी ये बात सुनकर भी। फकरीह तुमू, यही गीबत की मिसाल है, भाई मर गया है, गीबत में वो शख्स जिसकी बुराई बयान की गई है या की जा रही है वो मौजूद नहीं है, जैसे भाई मरने के बाद मौजूद नहीं होता है ना, तो उस शख्स जिसकी गीबत की जा रही है वो अब मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सही मुस्लिम की हदीस है, अतदरूना मल गीबा, तुम्हें मालूम है गीबत क्या है, सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गीबत है किसी शख्स की बुराई करना जबकि वह हुआ गायबुन, वो गायब हो वहाँ पर, और अगर सच कह रहे हैं तो, सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच कह रहे हैं तो गीबत है और झूठ कह रहे हैं तो फिर ये तोहमत है, ये एक इल्ज़ाम है, उससे भी बड़ा गुनाह है। तो हम ये बात पर गौर करें कि सच बोल रहे हैं किसी के बारे में, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, यही तो गीबत है, भाई मर गया है, उसका गोश्त खा रहा है उसका भाई, एक शख्स नहीं है मौजूद, उसकी गैर मौजूदगी में कोई और उसकी बुराई बयान कर रहा है, गीबत है। अब गीबत के मुतालिक उलमा हमें बताते हैं और कुरान हदीस से सबूत के साथ ये बात मिलती है कि अगर कोई शरई बेनिफिट हो तो उस सिचुएशन में एक इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता किसी भाई के साथ करना चाहता है, अब वो पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम जानते हो उसके बारे में कोई बुरी बात या कोई ऐसी चीज़ है, क्या रिपोर्ट है भाई। अब आप जानते हैं कि वो बिल्कुल बेकार इंसान है, गलत इंसान है, और आप कहें मैं गीबत नहीं करूँगा, तो क्या है, अब इस सिचुएशन में कहना साबित है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद साबित है। उसी तरह मान लो कि कोई उसके साथ बिज़नेस करना चाह रहा है और आप बताएं ना,
उसी तरह मान लो कि कोई ऐसा चोर है जिसके बारे में गवाही देना है कोर्ट में, अब कोई कहे नहीं नहीं मैं तो गीबत नहीं करूंगा उसके बारे में कोर्ट में आकर, नहीं ये सिचुएशन अलग है, ये इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। उसी तरह किसी के बारे में फतवा लेना है, या मुहादसिन ने जो रावियों के बारे में जो हाल बताया कि ये रावी ऐसा था, झूठा था, कज़्ज़ाब था, गीबत की किताबें नहीं है। मुहादसिन ने ये इन्फॉर्मेशन एक शरई वजह की वजह से किया, लेकिन यहाँ पर ही लोग गोता खा जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। क्या करते हैं वो कि आम तौर पर जो रूल है वो है कि किसी की बुराई उसके पीठ के पीछे बयान करना गीबत है। अगर वो सुनता और नापसंद करता तो ये गीबत है। अब लोग क्या करते हैं कि बुराई बयान करते हैं और समझते हैं कि ये इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर खिंजीर का गोश्त खाना क्या है? हराम है। कोई मर रहा है तो खा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन में अब वो कहे तब तो खा सकता था ना, अब मैं हमेशा खाऊंगा, तो उसने बहुत बड़ा फसाद कर दिया, उसने हराम चीज़ अपने पेट में डाल दी। उसी तरह गीबत एक सिचुएशन में उसकी करने की इजाज़त है उस शरई उज़्र के तहत, नॉर्मली नहीं है। अब मेरे भाई मेरी बहनें, यहाँ पे क्या हो गया आज हमारे माशरे में कि बहुत कॉमन है कि लोग एक दूसरे की बुराइयाँ बयान करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या है? भाईचारगी ख़राब होती है। कयामत के दिन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कहाँ से पेमेंट करेंगे? नेकियों से पेमेंट करना पड़ेगा। कल जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उसी तरह एक और प्रॉब्लम है इससे मिलता जुलता, वो है नमीमा, चुगलखोरी, चुगलियाँ बयान करना। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में वो क्या कह रहा था? तुम्हारे बारे में वो शख्स ये कह रहा था कि तुम ऐसे ऐसे हो, ये क्या है? चुगलियाँ। और सही बुखारी की हदीस है, मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, फ़काल इन्नहुमा लयुअद्दिबानी, कहा ये दोनों को अजाब दिया जा रहा है, वमा युअद्दिबानी फ़ी कबीर, और अजाब कोई बड़ी चीज़ के लिए नहीं दिया जा रहा है, बड़ी चीज़ के लिए नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उनसे बचना बहुत मुश्किल नहीं था। है तो कबीरा गुना, जैसे एक रिवायत में वाज़ेह तौर पर आता है, क्योंकि कबीरा गुनाह के लिए ही इस तरह की सज़ा होगी, अजाब कब्र, लेकिन क्या है, बचना बहुत मुश्किल नहीं था। अम्मा अहदुहुमा कान ला यस्ततीरु मिनल बौल, उन दोनों में से एक अपने आप को पेशाब के छींटों से नहीं बचाता था। पेशाब क्या है? नजासत है। नजासत हमारे जिस्म पर, हमारे कपड़ों पर, लिबास पर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या करता था, उसके कपड़ों पर, उसके जिस्म पर नजासत, पेशाब लगी रहती थी। काना ला यस्ततीरु मिनल बौल, पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, तो इस वजह से उसे अजाब कब्र हो रहा है। और दूसरा, काना यमशी बिन नमीमा, चुगलियां ले लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, झगड़े लगाया करता था। अब ये क्या है, उसे अजाब कब्र मिल रहा है। इब्न माजा की एक रिवायत में हमें मिलता है, अमल आखरू, दूसरा शख्स, युअज़्ज़बु बिल गीबा, गीबत की वजह से उसे अजाब दिया जा रहा है। पता चला कि गीबत और चुगलियाँ, ये दोनों उसका प्रॉब्लम था। चुगलियों में अक्सर गीबत इंक्लूडेड होती है, गीबत उसमें इंक्लूडेड होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये गीबत अजाब कब्र की वजह बन रही है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क़यामत के दिन अपनी नेकियों से पेमेंट करना पड़ेगा उस इंसान को। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, अब इस चीज़ में कंट्रोल करो, अल्लाह के वास्ते इस चीज़ को स्टॉप करना होगा हमें। कई बार बहुत मज़े उठा उठा के लोग सुनते हैं, गीबत कोई और कर रहा है और सुन रहे हैं, बोले मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन अगर सुन रहे हो तो उसमें शरीक हो गए, पार्टनर हो गए। क्योंकि अगर सही चीज़ करते तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगैर बियदिही, जो तुम में से बुरी चीज़ को देखे उसे अपनी हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोको। जैसे अपना खुद का बच्चा अगर गलत कर रहा है, रोको उसको, पकड़ो, बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते तुम, यहाँ फलयुगैर बियदिही और भी लिसानी ही, ज़ुबान से रोको। हाँ, बचाओ अपने भाई की इज्जत को। सुनन तिर्मिदी की सही हदीस है कि जो शख्स अपने भाई की इज्जत को बचाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उसकी इज्जत को बचाएगा। अगर हम अपने भाई की इज्जत को बचाते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, नहीं तुम ये बोल रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है, इज्जत को डिफेंड किए, कयामत के दिन अल्लाह हमारी इज्जत को बचाएगा। अल्लाह ताला भी बदला देता है तो कितना बड़ा बदला देता है। तो अल्लाह ताला उस शख्स को ये बदला देगा क्योंकि उसने अपने भाई की इज्जत को बचाया। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है, सही बुखारी की हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन
ستر اللہ یوم القیامہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما, جو مسلم کی پردہ پوشی کرے گا, ستر اللہ یوم القیامہ, اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا. کسی کا عیب ایک تو معلوم کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے, معلوم پڑ گیا اور اگر ہم اس کے عیب کو, گناہ کو چھپاتے ہیں تو اللہ ہمارے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا, اور قیامت کے دن چھپائے گا تو اور کب کام آنے والا ہے بھائی. گناہ کا حساب قیامت کے دن ہونے والا ہے, اور وہی دن اگر ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں بچ گئے بھائی, اللہ اکبر, اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپا دے گا. تم نے اللہ کے بندے, مومن بندے کے گناہ کو چھپائے تھے, اب اللہ تمہارے گناہوں کو چھپائے گا قیامت کے دن. ہم سب کے سب اللہ کے خطا کار بندے ہیں, کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال میں کیے ہوئے گناہ غائب ہو جائے, کچھ گناہ دکھ ہی نہیں رہے. ستر اللہ, اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی اس کی قیامت کے دن. تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن سارے انسان جمع ہے, ان سارے انسانوں کے آگے ہمارے گناہ چھپ گئے. کیوں؟ کیونکہ تم نے کسی مومن بندے کے گناہوں کو چھپائے. ہمارے لیے بہت اہم بات ہے یہ میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اپنی عادت بنائیں, کنٹرول پیدا کریں, زبان کو کنٹرول میں لائیں گے, زبان اپنے کام آ جائے گی کل. اگر زبان سے صرف کسی کے گناہوں کے بارے میں بیان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوگا, اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے گا. اور سامنے والا غلط کہہ رہا ہے اور ہم اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو تھرڈ پرسن ہے, جو غائب ہے, اس کی عزت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اللہ ہماری عزت کو قیامت کے دن بچائے گا. کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں, اور کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلم کی عزت خراب کرنا. آپ کو حدیث پتہ ہے مستدرک حاکم میں, صحیح سند سے ملتی ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون بابا, سود کے 73 دروازے ہیں, لیولز ہیں. ایسرھا, سب سے کم درجہ ایسا ہے, مثل ان ینکح الرجل امہ, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. 73 لیولز, سب سے کم درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں کے ساتھ زنا کرے. وَإِنَّ اربع ربا, سب سے بدترین ربا, سب سے ٹاپ لیول کا, بدترین قسم کا ربا, وہ کیا ہے؟ ارد الرجل المسلم, کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا. مسلم کی عزت کو خراب کر رہے ہیں, ورسٹ ٹائپ کا سود ہے یہ, سب سے ورسٹ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لیولز کو بتا کر گناہوں کو اس سے کمپیئر کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے سب سے کم درجہ جیسے اتنے بھاری گناہ, ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بھاری گناہ, اور ٹاپ لیول کا گناہ اتنا چھوٹا, ارد الرجل المسلم, مسلمان کی عزت کو خراب کرنا. لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے لیکن یہ ہے بہت سپر ڈوپر بڑا. کسی مسلم کی عزت کو خراب کرنا سپر ڈوپر بڑا گناہ ہے. اچھا یہ بتاؤ, کوئی شراب پی کے آپ کے گھر میں آئے گا, آپ کا گھر والا کوئی اگر شراب پی کر آئے, آپ کو انٹری دیں گے, اسے ٹھیک کر دیں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی زنا کی طرف جائے, اسے روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ اب یہ زبان کی برائیوں میں ملوث ہے لوگ, کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ, کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے اس چیز کی برائی کی وجہ سے. زبان بہترین چیز ہے, خزانے کما کما کے دے سکتی ہے, بگاڑ بھی سکتی ہے. کل قیامت کے دن نیکیوں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا, تب جا کے سمجھ آئے گی. قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا گیا وہ آئیں گے. انصاف کا دن ہے, خبر مل جائے گی نا سب کو, انصاف ہو رہا ہے, اب سب انصاف مانگیں گے. اے اللہ, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اس نے مجھ سے لون لیا تھا واپس ہی نہیں دیا, اس نے فلاں غلط کام کیا تھا, اس نے فلاں غلط کام کیا تھا, اب سب لوگ آئیں گے, اب ان کا پیمنٹ ہوگا. اب پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس, وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے نا, کوئی بھی روپیے پیسے ڈالر وغیرہ لے کے تو نہیں جاتا ہے, پیمنٹ کہاں سے کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن ہاں, نیکیاں ہیں اور نیکیوں کی تو شارٹیج ہے, ہر کسی کو ضرورت ہے, ذرہ ذرہ گنا جا رہا ہے. اب نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا. نیکیوں میں سے پیمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری غیبت کی تھی, اب پیمنٹ ہوگا, یہ لو تمہارا پیمنٹ. انہوں نے مجھے مارا تھا, تمہارا پیمنٹ. انہوں نے میرے متعلق یہ چگلیاں کی تھی, یہ جھگڑا لڑایا تھا, یہ لو پیمنٹ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
कि ऐसा शख्स जो आएगा कयामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर, लेकिन ये सब लोगों को परेशान किया होगा, अब उन सब के पेमेंट्स किए जाएंगे उसकी नेकियों में से। और आखिर में सीन ये होगा कि उसके पास सारी जो नेकियां पहाड़ के बराबर थी सब के सब जीरो हो गए, ख़त्म हो गई पेमेंट कर करके। और फिर आखिर में क्या होगा, और भी लोग आ रहे हैं, अब क्या किया जाएगा, अब गुनाह जो उन लोगों ने किया है, वो लोगों ने गुनाह किया, उसने चोरी की थी, उसने जिना किया था, उसने कोई गलत काम किया था, उसका गुनाह इस शख्स पे डाला जाएगा कि तुमने उसका हक लिया, अब तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के लिए नेकी तो है ही नहीं, अब क्या करें, अब तुम्हें संभालना होगा उसका गुनाह, उसके गुनाह का बोझ तुम संभालोगे, अल्लाह इंसाफ करेगा। सही मुस्लिम की हदीस में ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनें, अभी से ही ख्याल रखें, और जो लोगों ने गीबत वगैरह किए हुए हैं तो दुनिया में आप उन लोगों के लिए दुआ करिए और सदका वगैरह बहुत करके रेडी रखिए। कल पेमेंट जब करना पड़ेगा तो ये सदका अगर हमने किया है, कोई नेकी कर रखी है, वो नेकी काम आ जाएगी, पेमेंट करने के लिए काम आएगी। इसीलिए नहीं किए हो तो सदका नेकियां करके रखो, काम आ जाएगी वो। और दुनिया में अगर माफ़ी मांग कर किसी के साथ अगर सेटल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट, दुनिया में सेटल कर लो, आखिरत के लिए प्रॉब्लम कंटिन्यू ना रखिए। दुनिया में ही अगर हमने किसी के साथ ने नोन कोई चीज़ की तो उससे माफ़ी मांग लें, उससे मना लें, उसको दुनिया में हदिया गिफ्ट वगैरह देकर सेटल कर लें मैटर को, चल जाएगा।